नमस्कार। इस बेहद खास शो में, रफ्तार से भरे शो में, रफ्तार के रोमांच में आपका स्वागत है। भारत में ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर इन दिनों टॉप बाइकर्स ने धूम मचा रखी है। आने वाले रविवार यानी 24 सितंबर को दुनिया भर के टॉप बाइकर्स हवाई जहाज से की जो टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड होती है उससे ज्यादा तेज बाइक चलाएंगे और दुनिया भर में इसको लेकर रोमांच मचा हुआ है। खासकर भारत में पहली बार MotoGP आया है। Can't wait to catch up with everybody in India. Yeah, I'm looking forward to meet all the fans in India. Hoping to share with you a special moment. दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर 10 साल बाद एक बार फिर रौनक लौटी है। एक बार फिर रफ्तार का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा है। करीब 350 किलोमीटर की रफ्तार से भागती ये बाइक्स रोमांच पैदा करती हैं, दिलों की धड़कनें तेज करती हैं। भारत में तेजी से बढ़ते सुपर बाइकर्स की नजरें यहाँ टिकी हैं, तो उसकी कई वजहें हैं। यहाँ डुकाटी, KTM, कावासाकी, होंडा और एप्रिला जैसी दुनिया की बेहतरीन बाइक्स पर इटली के फ्रांसिस्को बग्नाइया से लेकर फ्रांस के फैबियो क्वार्टरारो जैसे धुरंधरों को देखने को फैंस बेताब हैं। मैन और मशीन की जुगलबंदी में फिलहाल यहां भारत का कोई रेसर नहीं, लेकिन भारतीय सुपर बाइकर्स के अच्छे खासे तादाद के उत्साहित होने की कई वजहें हैं। एक्साइटमेंट तो काफ़ी है, ये 10 साल के बाद है और इंडिया जो है बाइकिंग कम्युनिटी काफ़ी है, तो या सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स का वर्ल्ड में, और यहाँ पे एक्साइटमेंट है। सब स्टेट्स वाले हमारे कॉन्टैक्ट्स काफ़ी, मतलब रोज कॉन्टैक्ट करते हैं हमको, तो भाई क्या हो रहा है, कब आएँ। इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप MotoGP के बहुत काफ़ी स्पॉन्सर है, कुछ 200 से ज़्यादा स्पॉन्सर है कुल मिलाकर, 270। घाटे का सौदा नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं, घाटे का सौदा तो हो नहीं सकता। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिलसिला भारतीय सुपर बाइक्स की दुनिया में एक क्रांति ला सकता है। 2013 वॉज द लास्ट जो Formula 1 हुआ था, उसके बाद में हमने काफ़ी इवेंट करे। टाटा ट्रक प्राइमर रेसिंग होती थी, JK रेसिंग नेशनल रेसिंग होती है, Volkswagen रेसिंग VW की भी रेसिंग चलती है यहाँ पे नेशनल्स। उसके अलावा हम लोग काफ़ी इवेंट एक्टिविटीज़ करते हैं सारे ब्रांड्स के साथ, मीडिया के साथ, प्रोडक्ट लॉन्च, EV व्हीकल्स लॉन्च, अकेडमीज चलती हैं हमारे पास। जो सुपर बाइकर्स हैं उनके लिए हम अकेडमी करते हैं, नॉट ओनली सुपर बाइकर्स, जो छोटे बाइकर्स भी होते हैं 390cc और जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट है उन लोगों के लिए यहाँ पे सीखना, और एस्पिरेशनल भी है कि वो यहाँ पे आके बड़ी रेसेस भी कर सकें। एक्सपर्ट्स बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होने की उम्मीद कर रहे हैं। दुनिया की नजरों में एकाएक चढ़ने के लिए ये एक और जानदार बात हो सकती है। जो ये ट्रैक है, ये विश्व स्तरीय ट्रैक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन द वर्ल्ड, और जो हमारा बैक स्ट्रेट है वो 1.06 किलोमीटर लंबा है, तो वो ऐसी लंबाई मिलना राइडर्स को एक स्ट्रेट ड्राइव बहुत कम मिलता है, बहुत मुश्किल है, और बहुत कम ट्रैक्स हैं वर्ल्ड में जहाँ ये है। तो हमें उम्मीद है कि 366 का एक वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड है वो हो सकता है कि देखो सारा सेटअप वैसा है, अपॉर्चुनिटी ऐसा है, तो डायनेमिक्स अलग। दिस ट्रैक इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। जो अब तक मैंने ट्रैक्स देखे हैं उनमें सबसे बेहतरीन ट्रैक्स में से एक है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिल सकती है, ये बहुत तेज है, तो इरादा है 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। We might beat the 370, that's the aim that we are having this year. एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि लंबे समय में आर्थिक, सामाजिक और खेल के मैदान में भारत में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से जब ऐसी एक रेस होती है, तो सिर्फ ये 3 दिन की रेस नहीं है, 3,000 डॉर्ना के ऑफिशियल्स आ रहे हैं जो इस रेस को मैनेज करेंगे, उसके साथ साथ जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंसिलरी कंपनीज हो गई, जैसे लुब्रिकेंट कंपनी हो गई, ऑटो पार्ट्स हो गई, टायर्स हो गई, सारे ब्रांड्स को एक इम्पैक्ट मिलता है। वो एक कहावत है कि हर संडे जो रेस में बाइक जीतती है, मान लीजिए किसी एक रेस में KTM जीतती है संडे, एतवार को, सोमवार को KTM की सेल बढ़ जाती है,
तो एक ये एस्पिरेशन की बात है कि जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये मशीन्स बनाते हैं, ये प्रोटोटाइप्स बनाते हैं रेसिंग के लिए, वो एक रेस के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग जो होती है उसको टोन डाउन करके वो मार्केट में बाइक्स बेची जाती हैं। बाइक और बाइकर्स की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। अगर आपको रफ्तार का रोमांच होता है तो अगले कुछ दिन आपको बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ बाइकिंग कम्युनिटी को बहुत उम्मीद है कि इससे भारत को बहुत ज़्यादा कई मायनों में फ़ायदा होगा। दिल्ली से कैमरामैन आज़म सिद्दीकी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।